देखिए हूं तो मैं वैसे तलाक का लायक, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि तलाक ना ही हो, क्योंकि शादी एक ऐसा अटूट बंधन है जो कई सारे वादे करने, सपने दिखाने और कई सारा पैसा खर्च करने के बाद होती है। अब ये कोई मजाक थोड़ी है कैसी आए और बस दस्तखत किया और सब खत्म। अब जिसकी हो गई वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, और जिसकी नहीं हुई वो बेचारा किस कर्ब से गुजर रहा है इस बात का अंदाजा नहीं है आप लोगों को। खैर, मैंने आप दोनों को एक दूसरे की अच्छाइयां और बुराइयां लिखने के लिए दिया था, लिख के लाए। वैसे तो हम पुगम कर सकते हैं, लेकिन पुगम में टाइम लग सकता है, तो उसूल यही है कि लेडीज फर्स्ट। जी नीलम। देखें वकील साहब, वैसे तो ये बहुत शरीफ नेक और ईमानदार हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही शरीफ नेक और ईमानदार है। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि लाइफ से एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाए। सुबह ऑफिस जाते और शाम को ही घर वापस आ जाते। साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन लेट हो गए और मैं इंतजार कर लूं। एक चाइनीज रेस्टोरेंट है जिसमें पूरे साल से बार 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 लेके जा रहे हैं, वहां की तो रेड हैंग्स भी पड़ गई हैं। कभी ड्रिंक्स ऑर्डर करनी होती है ना, तो इंसान कह देते लेमोनेड चाहिए, नहीं इनको तो चिकन जबीन चाहिए। चिकन जबीन कहते हैं ना, देखिए कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना सुनने में, वहां के तो वेटर्स भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। एक कोने में एक टेबल है जिसका कोई व्यू नहीं है, वहीं ले जाके मुझे बार बार बिठा देते हैं। और सेंस ऑफ ह्यूमर तो जीरो है बिल्कुल। दो जोक्स आते हैं इन्हें जो साल में इन्होंने मुझे 50 करोड़ दफा सुना दिए, उनमें से एक जोक मैं आपको सुना दूं ना, और अगर आपको हंसी आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देगा। और कभी बंदा बात करने बैठ जाए तो दो ही टॉपिक्स हैं इनके पास बात करने को, एक स्टॉक्स दूसरा पॉलिटिक्स। क्या बात करें इंसान इस पे? नीलम की अच्छाइयां तो इतनी है कि मैं किताबें लिख सकता हूं, और बुराइयां अगर सोचने बैठो तो पूरा दिन गुजर जाए मगर कोई बुराई जहन में नहीं आती। मैं चाहता तो बहुत हूं कि नीलम से बात करूं, मगर मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूं तो लगता है कि जैसे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। शायद मैं नीलम के लिए ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं उसके लिए कोशिश जरूर करना चाहता हूं। चले जी हसन, अब आपकी बारी। हेलो। हाँ, ठीक है, मैं आता हूँ। ले जी, रमजान का चांद नजर आ गया है, बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं तो कह रहा हूँ ये एक महीना जो है ना शैतान हो गया है बंद, अब ना आप लोगों को कोई बहकाएगा ना भड़काएगा, ये बहुत अच्छा मौका है एक दूसरे से सुलह सफाई करने का, इसलिए आप लोग आपस में बात करें, और अगर फिर भी खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हुई तो हम ईद पे मिलेंगे। ठीक है, तो ईद की दावत पे अगर देखे सुलह सफाई हो जाए तो दावत पे जरूर बुलाइएगा ईद पे, हैं? अच्छा बात सुने, ये अच्छी फेनी कहाँ मिलती है कुछ पता है आपको? इनसे पूछ लीजिए। क्रिस्प सेंटर के साथ सदीक फेनी हाउस मीठा घर।